नमस्कार दोस्तों, एक बार राजा अकबर ने बिरबल से पूछा कि भगवत गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनकर कुछ भी सोचे बिना, किसी नौकर को साथ में लिए बिना या किसी सवारी के बिना दौड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? बिरबल ने कहा, वक्त आने पर मैं उसका जवाब दूंगा। बिरबल ने राजा अकबर के पोते जैसा एक मोम का पुतला बनाया और जो नौकर हर रोज राजा अकबर के पोते को टहलाने ले जाता था, उस नौकर को समझा दिया कि तुझे आज इस मोम के पुतले को लेकर जाना है और कुंड के पास आकर तुझे गिर जाना है, वैसे गिरना है कि ये मोम का पुतला कुंड में गिरे। नौकर ने वैसा ही किया और उसी वक्त राजा अकबर वहां से पसार हो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका पोता कुंड में गिरा, कुछ भी सोचे बिना वो कुंड में कूद गए। बाहर निकले, बिरबल वहीं पर सामने खड़ा था और उसने कहा कि राजा जी, जैसे आपने अपना पोता समझकर आप कुंड में कूद पड़े क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हो, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने हर एक भक्त को बहुत प्यार करते हैं और उसी लिए जब कोई भी भक्त उन्हें पुकारता है वो कुछ भी सोचे बिना दौड़ जाते हैं। दोस्तों, भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं और जब भी हम तह दिल से प्रार्थना करते हैं वो जरूर हमारी मदद करते हैं, वो हमारे आसपास हैं। प्रार्थना करते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।